जो तरीका आपको इजी लगता है आप उस तरीके से बना सकते हैं। जैसे हम गुजिया बनाते हैं ना, इस तरह से हमने इसे फोल्ड करना और इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर देना। हमने करना क्या है, प्लेट्स डालेंगे। जैसे हम प्लेट्स डालते हैं ना, आप ध्यान से देखें, इस तरह से हमने इसे फोल्ड करना है, ऐसे थोड़ा सा गैप देके, फिर उसके बाद इस तरह से, फिर थोड़ा सा गैप देके इस तरह से एक हम और डाल लेंगे। अब हमने इधर का हिस्सा उठाना है प्लेन वाला, और प्लेन वाले हिस्से को इसके साथ हमने जोड़ देना। आपको जो भी तरीका इजी लगता है आप उसी तरीके से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं, हमने तीन पीस लिए हैं, एक थोड़ा सा बड़ा है, उससे छोटा और उससे छोटा। थोड़ा सा हम यहाँ से इसको इस तरह से प्रेस कर देते हैं, स्टफिंग कर दी है, और अब हम इसको करेंगे फोल्ड। इस तरह से उठाते हुए हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये हमारा बहुत ही अच्छा रोज तैयार होगा। तो ये मैंने चार डिज़ाइन बनाए। ये एक और मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही आसान है ये भी। इसकी हम छोटी छोटी इस तरह से प्लेट्स डालते जाएंगे। ये मैंने पांच डिज़ाइन बनाए हैं, पांच तरीके बनाए हैं, जो आपको इजी लगता है आप बना सकते हैं। इसी तरह से मैं बाकी भी बना लूँगी। एक कढ़ाई में हमने पानी रखा है, पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। इसके ऊपर हम रख देंगे छलनी। ये छलनी हमारी इस कढ़ाई के ऊपर पूरी तरह से फिट आ जाती है, और इसके ऊपर हम कर देंगे इस तरह से कवर, और इसे हम रखेंगे 20 से 25 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे। तो लो मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक पकाना है। आप 10 से 15 मिनट रख सकते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट के अंदर ये कई बार कच्चे रह जाते हैं। तो इसे 20 से 25 मिनट अगर पकाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। 25 मिनट हो गए हैं, हमारे जो मोमोज हैं आप देख रहे हैं पूरी तरह से बन के तैयार हैं। हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर सर्व करने के लिए। बहुत ही अच्छे से ये बनके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। जैसे हमने स्टीम कर दिए हैं ना, तो आप इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। कुछ लोग फ्राई करके खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ लोग बिना घी के बिना तले पसंद करते हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे पसंद कर सकते हैं। ये हमारे मोमोज बनके तैयार हैं। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप कोई भी डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, आप इसी तरह से ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।